हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब पे ज्ञान बना रहे। तो मैं इसमें ललिता घाट आपको ले चलता हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य कितना पूरा हुआ है वहाँ का आपका लेटेस्ट अपडेट देता हूँ। इस समय शाम के 5:30 बज रहे और मैं इस समय जेटी पुल पे हूँ। चलिए दोस्तों, आपको बैक कैमरे से काशी विश्वनाथ के दरबार का दर्शन कराता हूँ। दोस्तों इस समय मैं जो कि ललिता घाट पे हूँ और सामने आपका पशुपतिनाथ मंदिर है। और दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि क्या भव्य नज़ारा लग रहा है गंगा द्वार का। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, आपको आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं, आगे क्या नया अपडेट हो रहा है। इस समय जो कि नौका विहार शुरू हो गया है और नौका विहार का आनंद ले रहे हैं सभी दर्शनार्थी जो बाहर से पर्यटक आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, सामने जो घाट का निर्माण चल रहा था वो पूरा हो गया है। अभी भी देखिए वहाँ पर कुछ मलबे पड़े हैं, इन्हें भी जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा जिससे कि घाट पूरा सफा हो जाए। चलिए दोस्तों, हम ऊपर चलते हैं, आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखाते हैं ऊपर क्या नया अपडेट हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ नए पत्थर मंगाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने जो कि अभी भी कार्य चल रहा है, मेन पावर लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो पत्थर लगाने का कार्य चल रहा था इस दीवार पे, वो आपका लगभग पूरा हो गया है। तो आपको दिखा दूँ कि ऊपर भी जो कि कार्य चल रहा है इस समय। दोस्तों यहाँ पर भी अभी पत्थर लगाने का कार्य चल रहा है, मेन पावर लगे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। इन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऊपर भी जो कि पत्थर काटने का कार्य चल रहा है। चलिए दोस्तों, हम आपको आगे दिखाते हैं आगे क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जो कि ढलैया कर दिया गया दीवार को, अब यहाँ पर पत्थर लगाने का कार्य होगा। और दोस्तों वहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नया स्टॉक मंगाया गया पत्थर का। चलिए दोस्तों, आपको आगे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, सामने आपका मोक्षदायिनी मणिकर्णिका घाट है, इसे माँ शमशान भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो कि चिताएं जल रही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कि पहले मलबे हुआ करते थे, अब उन्हें हटा दिया गया है। अब यहाँ माँ गंगा का पूरा जल स्तर आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले नावें नहीं लगती थी, अब यहाँ पर नावें आके लग रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ कार्य चल रहा है, मेन पावर लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सरयोग को ला के रखा गया है। देखिए दोस्तों, मैं इस समय गंगा द्वार के ठीक सामने खड़ा हूँ और यहाँ से आपको दिखाऊँ कि जो कि रैम का पीछे का दीवार है वहाँ पर पत्थर लगाने का कार्य चल रहा है, वो लगभग आपका पूरा हो गया है। बस दोस्तों थोड़ा सा ही जगह बचा है जहाँ पर पत्थर लगाना बाकी, और इन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इन्हीं मशीनों के द्वारा जो कि ढलैया का कार्य होता है, यहाँ पर जो कि गिट्टी बालू का मिक्सर बनता है, और इन पाइपों द्वारा इन्हें आगे जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है इनको भेजा जाता है। हम आगे चलते हैं, आपको आगे चलते मैं कंका घाट की तरफ क्या कार हुआ आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रैम के दीवार पर पत्थर लगाने का कार्य चल रहा है। चलिए आगे भी आपको क्या नया अपडेट आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं रैम के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर जो कि पत्थर लगाने का कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तक पत्थर लगा दिया गया है।
और ऊपर का भी दोस्तों कुछ हिस्सा बाकी है, इन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों अंदर जो कि ढलैया का कार्य पूरा हो गया, खाली पत्थर लगाने का कार्य बाकी है, इन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दीवारों पर पत्थर लगाने का कार्य चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पत्थर काटने का कार्य चल रहा है। देखिए दोस्तों मैं इस समय मणिशंका घाट से आपको दिखाता हूँ, जहाँ की सीवेज पप्पी टंकी बना हुआ है और वहाँ पे जो कि घाट का निर्माण हो रहा है, जो चिड़िया बनाने का कार्य चल रहा है, वो कार्य कहाँ तक पूरा हो चलिए आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग आपका सारा चिड़िया बन चुकी हैं, सभी चिड़ियों को बना दिया गया है। थोड़ा सा ही कुछ कार्य बचा है, इन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं सामने के दीवालों पर भी पत्थर लगा दिया गया है। और दोस्तों रैम के ठीक पीछे वाले दीवार पे जो पत्थर लगाने का कार्य चल रहा था, वो लगभग आपका पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा ही बचा है, इन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। मैन पावर लगे हुए हैं दिनों रात। तो आपको दिखा दूं यहाँ पे जो कि पत्थर लगाने का कार्य चला था, घाट निर्माण चल रहा था, वो आपका लगभग पूरा हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, इन्हें भी जल्द से जल्द साफ करना चाहिए, इनका भी कुछ ध्यान दिया जाए कि जिससे यहाँ पर गंदगी ज्यादा ना हो और इन्हें साफ रखा जाए इन घाटों को। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कि गंगा से राख को निकाला जा रहा है, गंगा माँ को सफा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सामने भी पत्थर लगाने का कार्य चला, तो वो भी आपका लगभग पूरा हो गया है। चलिए दोस्तों आपको आगे ले चलता हूँ, आगे क्या नया अपडेट आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पाइप लगाने का कार्य चल रहा था, पहले ये था नहीं, पहले यहाँ पे जो कि घाटों पे बहुत पानियाँ गिरती थी, जिससे कि यहाँ पे काई हो जाता था और जो बाहर से दर्शनार्थी आते थे वो गिर जाते थे सड़क के। लेकिन उनके देखते हुए यहाँ पर जो कि पाइप लगाने का कार्य चल रहा है, अब यह पाइप आपका जो कि सीधे आप माँ गंगा की तरफ चला गया है और जो यहाँ पर पानी अब गिरेगा सीधे माँ गंगा में चला जाएगा, जिससे कि यहाँ पर कोई गिरे पड़े ना और जो भी यात्री आए यहाँ पर सुरक्षित रहे। अब देख सकते हैं यहाँ पर कार्य बहुत तेज़ी में हो रहा है, पाइपों को लगा दिया गया है, अब इन पर जो कि पत्थर लगाने का कार्य होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, इस पर लिखा हुआ है कि इस घाट पर पानी की गहराई अधिक होने के कारण यहाँ स्नान करना सख्त मना है, आज्ञा से मंदिर प्रशासन। दोस्तों कुछ लोग आ रहे हैं बाहर से और यहाँ पर आके स्नान कर रहे हैं और उन्हें घाट का अंदाजा नहीं है कि कहाँ पर कितनी गहराई है, इसीलिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा लिखा गया है कि यहाँ पर कोई घटना न हो, जो भी यात्री आए घाट किनारे ही बैठ के नहाए, आगे न बढ़े, क्योंकि आगे गहराई का पता नहीं होता उनको, इसी कारण कुछ घटनाएं हो जाती है, कुछ लोग डूब जाते हैं। आप देख सकते हैं माँ गंगा है सामने और सामने आपका अलकनंदा क्रूज जा रहा है, ये शाम को निकलता है माँ गंगा का आरती दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों आरती का टाइम हो चला है, धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि नौका विहार से जो कि लोग नावों से गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं, दशाश्वमेध घाट की तरफ जहाँ पर गंगा आरती होता है। आप देख सकते हैं एक और भी शिप आ रहा है, वो भी गंगा आरती के लिए आता है दिखाने के लिए। ये भी जो कि आगे जाएगा राजघाट, राजघाट से खिड़किया घाट से वो घूमेगा, फिर जाएगा दशाश्वमेध जाके वो खड़ा हो जाएगा, आरती दिखाएगा, उसके बाद वो फिर चला जाएगा आपका 80 घाट की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी कुछ पत्थरों को लाकर रखा गया है। सामने ठीक शमशान घाट, देखिए दोस्तों हमारे ठीक सामने मणिशंका घाट है और हम इस समय गंगा द्वार पे
और देख सकते हैं सामने जो कि पत्थर लगाने का कार्य चल रहा है। चलिए दोस्तों आपको इन सीढ़ियों द्वारा अंदर ले चलूंगा, बाबा काशी विश्वनाथ के शिखर का भी दर्शन कराऊंगा। चलिए दोस्तों आपको अंदर ले चलता हूं, अंदर चल के बाबा काशी विश्वनाथ का शिखर का दर्शन कराऊंगा। मैं मौजूद हूँ विश्वनाथ कॉरिडोर में। चलिए आपको आगे ले चलता हूँ, आगे भी एक चलिए दोस्तों आपको आगे ले चल आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये सामने जो कि प्रतिमा है वो आदि शंकराचार्य जी का है और लोगों यहाँ पर आके जो कि सेल्फियाँ ले रहे हैं। देखिए दोस्तों इस लेटर सीढ़ी इसी में चल रहा है, चलिए इस लेटर सीढ़ी द्वारा हम ऊपर चलेंगे, ऊपर चल के आपको बाबा के दरबार का दर्शन कराएंगे। देखिए दोस्तों यात्री इसका भरपूर सेवा ले रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि सारी लाइटें जल चुकी हैं और मेरे सामने ठीक आपका गंगा द्वार है। कुछ दर्शनार्थी इधर से भी आ रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत लाइट बर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लाइटें जल रही है इसका जो कि एक अलग ही मजा है, एक अलग ही इसका जो कि नज़ारा है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका भी मन यहाँ पर खुश हो जाएगा ये लाइटिंग देखकर। देखिए दोस्तों ये जो लाइटें बर रही हैं ऐसे लग रहा है कि आकाश में तारे चमक रहे हैं। देखिए दोस्तों श्रद्धालुओं के लिए मैट बिछाया गया है जिससे उनका पैर ना जले। देखिए दोस्तों इस समय जो कि बड़ा वाला गेट बंद हो चुका है लेकिन छोटे वाले गेट से एंट्री हो रहा है, श्रद्धालु वहां से एंट्री कर सकते हैं। 7 बजे ये गेट बंद हो जाता है। देखिए दोस्तों क्या भव्य नजारा लग रहा है इस मंदिर का, क्या खूबसूरत लाइटें लगाई गई हैं इस पर। दोस्तों यहाँ पर जो लाइटें लगी हुई है पूरी मंदिर परिसर में उसका एक अलग ही नज़ारा है। ये लाइटें देखकर आपका मन मोह जाएगा, आपका मन करेगा कि आपका बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए। दोस्तों सामने आपका जो कि निःशुल्क लॉकर है ये लॉकर आपको फ्री दिया जाएगा, आप यहाँ पर अपना मोबाइल हैंडबैग जो भी लाए हैं साथ में जमा करके मंदिर प्रांगण में जा सकते हैं क्योंकि मंदिर प्रांगण में ये सब सामान ले जाना अलाउ नहीं है और ये लॉकर आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं देना है। चलिए दोस्तों मंदिर प्रांगण में माँ भारती का भी प्रतिमा है, चलिए आपको उनका भी दर्शन कराता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों सामने माँ भारती का प्रतिमा है और यहाँ पे भी लोग आके सेल्फी ले रहे हैं। चलिए दोस्तों हम मंदिर प्रांगण से बाहर चल रहे हैं, बाहर चल के आपको बाहर का भी नजारा दिखाएंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर क्या अपडेट चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो कि खूबसूरत लाइटें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे गणेश भगवान की प्रतिमा है और पहले यहाँ पे छाजन नहीं था लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी छाजन लगा दिया गया है जिससे कि मंदिर पर धूप ना पड़े। देखिए दोस्तों ये रास्ता आपका जो कि पशुपतिनाथ नेपाली टेम्पल की तरफ चला जाएगा और इधर आपको दिखा दूं कुछ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, वो कार्य कहाँ तक पूरा हुआ चलिए आपको दिखाता हूँ।
आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो कि अभी भी निर्माण चल रहा है और इधर जो मंदिरें बनी है इनका निर्माण हो चुका है। अब इसमें प्रतिमा बस बैठाना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिरों में दरवाज़ा भी लगा दिया गया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि कुछ दुकानें बनाई गई हैं, ये भी जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। आप जब मंदिर परिसर में आए तो आपको यहाँ पे एक जो कि आपको जो सामान चाहिए यहाँ पे ले सकें। चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे का भी नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या भव्य नज़ारा लग रहा है मंदिर परिसर का। इसमें रैंप ऊपर है और इसी के सामने आप देख सकते हैं कि अंदर कार चल रहा है। और दोस्तों इधर भी देख सकते हैं, इधर भी जो कि कार्य चल रहा है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी जो कि रातों दिन काम चल रहा है, मैन पावर लगे हुए हैं। और इधर देख सकते हैं रैंप भी बन चुका है। देखिए दोस्तों, सामने आपका सीवेज पंपिंग टंकी है जो नया बना हुआ है। और इधर भी कार्य जो कि प्रगति पे चल रहा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जा दीजिए। हर हर महादेव।